मैं ग्रामीण डाक सेवक संगठन की तरफ से देता हूं। मेरे यहाँ पहुंचने में थोड़ा सा विलंब भी हुआ क्योंकि बहुत दूर से आया हूं, उससे पहले सभा प्रारंभ हो गई थी। पूर्व वक्ताओं ने इससे पहले, मैं तो गौतम जी से पहले किस किस ने कहा उसके बाद ही यहाँ पे आया हूं। खैर, हमने बहुत बार इस सभागार में भी और अपने पोस्टल डिपार्टमेंट के अपने जीपीओ के बाहर भी और यहाँ चौक पर भी बहुत सारे धरने प्रदर्शन किए हैं। ये काफी अंतराल के बाद, मुझे लगा काफी समय इसके बीच जो भी कारण रहे होंगे, चाहे वो कारण कोविड रहा हो बीच में, जिस वजह से हमारा सम्मेलन नहीं हुआ, हम एक दूसरे से रूबरू नहीं हो सके। ज्वलंत समस्याएं जो हम और आप लोगों के सामने हैं, वो चाहे पेंशन को लेकर के हैं, वो चाहे आज केंद्र सरकार की इन उदारवादी नीतियों के बारे में है, या जो आज केंद्र सरकार का ये डंडा या जो चीजें थोपी जा रही है उसके विरोध में पूरे देश के अंदर, चाहे वो संगठित क्षेत्र के हैं चाहे वो असंगठित क्षेत्र के हैं, मेरा मानना है आज कोई भी अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है। हर आदमी चाहता है कि सेवानिवृत्ति के बाद जब वो सेवानिवृत्त हो जाए और लंबे अंतराल तक विभाग के लिए सेवाएं दे, उसके बाद उसकी कुछ सोशल सिक्योरिटी हो, अपना बाकी का जो बचा जीवन यापन है वो बढ़िया से कर सके, उसके लिए वो जरूर सोशल सिक्योरिटी चाहता है। लेकिन जब उसके पास पेंशन नहीं होगी, खर्चा कैसे चलेगा, मुसीबतों का पहाड़ तो तब टूटेगा, लेकिन समस्याओं का समाधान ऐसे नहीं होगा। जैसे यहां आह्वान किया गया है, जब भी ये कोई ऐसी बड़ी, क्योंकि मैं बड़े राष्ट्रीय स्तर के इश्यूज पे नहीं, क्योंकि सभी वक्ताओं ने कहा चार्टर ऑफ डिमांड आपके सामने है, मेरा दर्द आपका दर्द तमाम कर्मचारियों का दर्द है, और ये भी सब जानते हैं कि सरकार की आज किस तरह की नीतियां बद नीतियां चल रही है, उसके बारे में अगर हमको संघर्ष करना है तो मैं तो आह्वान करूंगा कि हमको सबसे पहले तो यूनाइटेड होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा। अगर हम ये सोचेंगे कि यार आज कालीबाड़ी में कन्वेंशन था, मेरी तरफ से कोई चला गया एक आदमी, या दूसरे ने सोचा वो चला गया, तीसरे ने सोचा वो चला गया और आकर के सभागार में देखा, अगर हम अपनी स्ट्रेंथ आज यहां दिखाते तो शायद इसका कुछ और मैसेज जाता, वो चाहे मेरे डाक विभाग के ग्रामीण डाक सेवकों की है, वो चाहे दूसरे केंद्रीय सरकार के दूसरे उपक्रम, उनकी बात करूं मैं, हमको सबसे पहले अपने आप को मजबूत करना है, हमको अपने आने वाले कल की चिंता